law of reciprocal proportion. So in this video I will just give you the definition of this law. Okay, definition, you can call it only a definition. Okay, so let's start. The law of reciprocal proportions, the ratio of the masses of two elements A and B. जो the ratio of the masses of the two elements A and B which combine separately with a fixed mass of the third element C is either the same or some simple multiple of the ratio of the masses in which A and B combine directly, तो देखिए इस डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. द रेशियो ऑफ द टू द मासेस ऑफ टू एलिमेंट, अगर दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो उन दोनों के जो मासेस का रेशियो होगा अगर दो एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से कंबाइन तीसरे किसी फिक्स्ड तीसरे मास फिक्स्ड मास के तीसरे एलिमेंट से इफ ए एंड बी दो एलिमेंट तीसरे फिक्स्ड मास के एलिमेंट से कंबाइन कर रहा है तो ए और बी के जो मास का जो रेशियो होगा वो सेम होगा, नहीं तो सिंपल मल्टीपल होगा ए और बी के खुद के कंबाइन के रेशियो का. ओके, यही है इस डेफिनेशन का मतलब. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड से भी शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए. ओके.